हेलो एवरीवन, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है साल का आखिरी दिन और हम लोग आ गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मॉल में। एज यूजुअल हमेशा वहीं पे ही जाते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें फ़िलहाल। बट ये आखिरी दिन था ना, तो हमने सोचा कि यार इसको भी क्यों छोड़ा जाए, हमेशा की तरह इसको भी सेलिब्रेट किया जाए। तो हम लोग आ गए थे नोएडा मॉल में। आज साल का आखिरी दिन है और हम लोग आ गए हैं मॉल में क्योंकि मम्मी को शूज़ लाने हैं, है ना। मम्मी के पास शूज़ नहीं है, टूट गए उनके, तो हम लोग सोचे थे मम्मी को शूज़ ला दें। सैंडल पहन के आई हैं शूज़ लेंगे इसलिए, बट मास्क पूरा लगाया हमने, फुल प्रोटेक्शन के साथ आए हैं, सैनिटाइज़र वगैरह सब लेके। बढ़िया, हम तीनों अभी ना वेट कर रहे हैं पांडे का और स्नेह का ना। और यहाँ पे देखो अभी तक डेकोरेशन हो रखी है क्रिसमस की पूरी, न्यू ईयर की एक ही हो गई। हाँ, अलग अलग कोई करता नहीं, कर भी रहता तो, बट इनने ऑलरेडी इतना अच्छा कर रखा है देखो, है ना। एवं लो, है ना, एंजॉय कर लो इस साल को भी, फिर तो नया साल आ ही जाएगा। ज़्यादा एंजॉय किया आज, पूरा दिन सोई हूँ मैं। हाँ, मैं सो भी नहीं पाई, पता, मैं इसीलिए वेट कर रही थी। हमने ना ऑलरेडी ने बोला था तुम रेडी हो जाना क्योंकि मम्मी को शूज़ दिलाने जाना है, तो हम लोग को जाना ही है। तो ये मम्मी वॉक करती है ना, फिर रह जाता है तो, और ये मस्त हो के दोनों सो रहे थे और हम लोग आए पूरे रेडी हो गए। इन लोग को एक घंटा और लेट करा दिया क्योंकि 10 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, कोई सेलिब्रेशन, कोई शॉप, कुछ नहीं खुलेगी, सब बंद हो जाएगा। हमने सोचा आज इनके शूज़ लेके ही ख़त्म करते हैं क्योंकि कल से सब लोग नए नए रेजोल्यूशन ले रहे हैं ना, फिटनेस के रेजोल्यूशन स्पेशली ना, तो इसलिए शूज़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। वो रेजोल्यूशन हर न्यू ईयर पे लेते हैं बट फिर भी वो ऐसे ही रहते हैं हर नेक्स्ट न्यू ईयर। यार थोड़े तो सही लग रहे हैं यार, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये लोग भी आ गए। अरे अरे आओ, रह गए थे शूज़ दिलाने आए मम्मी को और बाकी सब लोग अपने देख रहे हैं, कोई मम्मी के शूज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उनको लेने हैं शूज़, है ना। सारे ये लोग लिचड़ लोग अपने लिए शॉपिंग करने के लिए बैठे हैं। अच्छा लगा कुछ क्या? 50% ऑफ, लूट लो। अच्छा लगा? कौन सा अच्छा लगा? ये अच्छा है। और यहाँ मम्मी ना शूज ट्राई कर रही हैं बट अभी उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, कोई साइज में नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी अभी मम्मी को यहाँ पे शूज ट्राई करवा रहे हैं। फाइनली मम्मी का शूज नहीं मिला। हम वहाँ पे चिंपू अपने शूज की फिलिंग करा रही है। कहाँ गई तू? आ गई तू है। हम मम्मी बिना शूज के ही रह गई। अभी और देखते हैं एक दो जगह पे, है ना। मुझे लग रहा है हम सब ले लेंगे बट मम्मी को ही नहीं मिल पाएंगे, है ना। मम्मी ट्राई करते हैं। हाँ, पर वही है, शूज लेने जा रहे हैं, कुछ मुझे पसंद आ रहे, कुछ से मम्मी को कोई पसंद नहीं आ रहा। और एक बंदी ने तो ले भी लिया, वहाँ पे खड़ी हुई है और देखो मज़े में। ये मेरे लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना, पिंकी नहीं लग रहे। तो अभी क्या हुआ? हाँ, एक ना दीदी जा रही थी, उनके प्राइम में ना उनका एक बच्चा था, वो बच्चा बहुत सुंदर सा था। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला बच्चा देखा, कहते किसका बच्चा? मैंने कहा जिसकी मम्मी को आप देख रहे थे उसका। हाँ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, वो बच्चा नहीं देखा। कह रहे नहीं, उसकी मम्मी को तो देखा। उसकी मम्मी को ही ताड़ रहे थे, मैंने उसकी मम्मी को देखा, बच्चा नहीं देखा। मैंने उनका तक बच्चा भी गाली देता हुआ जा रहा था। छोरे लोग फिर से कुछ पसंद नहीं आ रहे, अब वापस से जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, देखते हैं। शूज तो नहीं मिल रहे थे तो हम लोग ने सोचा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद दोबारा से शूज ढूंढेंगे। बोल के आएंगे, एक मिनट देख के आ रहा हूं। हमें 10 मिनट्स लगेंगे। क्यों? 10 मिनट्स लगेंगे खाना आने में। अबे तेरे हेयर स्टाइल तो ही कर रहा है। चले मम्मी के पास चले। तो हाँ चलो, वहाँ पे आ गया। चलो।
और यहाँ हमारा खाना आ गया था और जो भी हम लोग को पैकिंग करानी थी वो भी हम लोग ने ऑलरेडी पैक कराने के लिए भेज दिया था। और अब यार कंट्रोल नहीं हो रहा था और भूख भी बहुत तेज लगी थी और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने। और यार सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, ये तो सभी लोग जानते हैं। और यार फैमिली के बिना ना हर सेलिब्रेशन अधूरा है और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपनी फैमिली के साथ ही आता है। फैमिली है ना तो कोई दोस्त कोई यार किसी की ज़रूरत नहीं है, फैमिली है तो सब कुछ है और बहुत मज़े करते हैं हम ऐसे। और यहाँ ना मैं वीडियो बनाने में इतना बिजी हो गई थी कि मम्मी को मुझे खिलाना पड़ रहा था खाना, क्योंकि मैं वीडियो बनाए जा रही थी और खाना ढंग से नहीं खा रही थी तो इसलिए मम्मी मुझे खिला रही थी। ये खाओ आप, ये हाँ बता कुछ बकवास ही होगा पक्का। वाह यार नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया तुम्हें। और यहाँ ना अरविंद को बहुत दिन से बैग लेने का मन था तो चलो मैंने सोचा इनका बहुत दिन से मन है तो मैं दिलवा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बैग्स वगैरह देखने, मम्मी के लिए आए थे बट सबने बहाने से अपनी अपनी चीज़ें ले ली बट उनको जो लेना था वही किसी ने नहीं लिया और वो मिल भी नहीं पाया। और ये देखो कैसे नमूनापंथी कर रहे हैं, यहाँ पे एस्केलेटर पे बैठ के आ रहे हैं। हम लोग कह रहे थे यार सब लोग देखेंगे हंसेंगे बट ये मान ही नहीं रहे थे। हम ना घर पे जा रहे हैं और मम्मी के तो शूज़ आए नहीं, मम्मी के शूज़ नहीं आए और शूज और इन मैडम ने शूज खरीद लिए और जिसके लिए मेन आए थे उसको ही नहीं मिले। और अब हम लोग जा रहे हैं घर और देखते हैं रात में कैसे करेंगे सेलिब्रेशन, कुछ तो करेंगे जरूर। बट चलो चले, आज मॉल की सबसे अच्छी चीज ये थी लोग थे ही नहीं, बहुत ही कम लोग थे है ना पार्किंग में, वरना हम लोग यहाँ तक खड़े रहते। अभी तीन पार्किंग नीचे आए और सेकंड में आ गए, मतलब तो अगर अभी पता नहीं आज लोग समझ गए यार और हम लोग बेवकूफों की तरह आ गए। और अभी ये जो सामने एक मॉल आ रहा है ना, यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है क्योंकि यहाँ पे सारे पब्स क्लब वगैरह ये सब है। और लास्ट ईयर भी इतनी भीड़ थी बट कोविड ने सब खराब कर दिया, सबका बिजनेस चौपट कर दिया यार। तो और वरना यहाँ पे जो रश होता है ना, हम लोग भी यहीं, हम लोग ने अपनी ऑलरेडी बुकिंग यहाँ पे कर रखी थी, हम लोग का भी सारा पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि हम लोग ने सोचा था इस बार हम लोग ना क्लब जाएंगे पब जाएंगे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे बट सब वेस्ट हो गया सच में यार कोविड की वजह से। मेरा हर सेलिब्रेशन इन जानवरों के बिना अधूरा है, मुझे लगता है मैं इनके आशीर्वाद की वजह से ही अपने मतलब खा रही हूँ पी रही हूँ अच्छे से रह रही हूँ। और मैं ना कभी भी कुछ खाती पीती हूँ ना तो मैं इनके लिए ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं नहीं करती ना तो मेरे अंदर एक गिल्ट सा रह जाता है। तो इसलिए हम लोग ने सोचा आज हम पेडिग्री बांटेंगे और जो भी इन लोग को ठंड है ना और इनके लिए कुछ कपड़े गर्म कपड़े बिछाएंगे जिससे ये लोग आराम से ठंड में सो पाए और अच्छे से खा पाए। तो देखो दीदी के ऊपर कूद रही, पेडिग्री लेकर आई थी और ये कुछ इन लोग के लिए बिस्तर लाई थी ताकि ठंड में हम इनके लिए बिछा सकें। और इस अच्छे और नेक काम में मानसी और स्नेह ने भी मेरी बहुत हेल्प करी, इन लोग ने भी मेरे साथ ही बिस्तर बिछाया और पेडिग्री खिलाई डॉग्स को। उसने भी बहुत सपोर्टिव हो गया वैसे है ना, वहीं बैठेंगे बैठ जाएंगे वो अब और कहीं खिला देते हैं ना। हाँ वो न्यू ब्रांच की पार्टी हॉल आई है, यार अपने लिए तो हर कोई करता है बट किसी दूसरे के लिए कुछ करने में जो खुशी मिलती है ना
वो अभी तो फिलहाल मैं ही जान पा रही हूँ, मतलब जो करता है ना वही जान सकता है, जो नहीं करता उसका तो कुछ पता नहीं मुझे, बट जो लोग करते हैं ना तो वो उसकी खुशी ना अलग ही होती है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये करके, हमें भी लगा यार ये लोग बहुत आराम से बेचारे सो पाएंगे, और जो ऐसा और भी लोग करते हैं उनको भी बहुत थैंक्स है कि एटलीस्ट सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ही हेल्प हो पाएगी। एक ही बंदा अगर करेगा ना तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा पेडिग्री डालने डाल दो है ना। हाँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी डल गई है, बस बैठ गया। हम लोग ना सिर्फ डॉग लवर नहीं है, हम सभी एनिमल्स से उतना ही प्यार करते हैं। हमें जहाँ गाय भी दिखती है ना हम उनको भी खाना खिला देते हैं, बिल्ली दिखती है उसे भी खिला देते हैं। ये सिर्फ बताने का ये मतलब है, हम ये नहीं जता रहे हैं हम सबके लिए कर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं काश हमें देख के थोड़े लोग और ऐसा करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और वहाँ से ये देखो अरविंद जो अपने लिए ये लाया था स्किपिंग रोप, तो वो अपने ही कर रहा था। मम्मी की कोई चीज़ नहीं आई थी, बाकी सब लोग ने अपनी अपनी पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ ले ही ली थी। अरे अरे ये तो दूसरे कमरे में चला जाता था करते करते। यहाँ मेरे घर पे सभी मेरे कजन आ गए थे और यहाँ पे शुरू होने वाला था न्यू ईयर पार्टी। और उससे पहले पता नहीं ये लोग किस बात पे जंगलियों की तरह लड़ने लग गए, वो तो आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। ये देखना कैसे लड़ रहे थे यार ये लोग। अरे चुप हो गई, आग में गिर जाएगी, भुन जाएगी अभी। ये चप्पल है आपके हाथ में ये? अरे अरे यार चुपो, पीछे गुटकी के लग जाएगी। ये लोग सो रहे हैं यहाँ पे कितने सुकून से, और ये लोग कंजड़ माफिक लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पांडे का आईफोन जा रहा है आग के अंदर, टेस्ट, ये टेस्ट हो रहा है ना, कौन सा फायर वर्सेस और यहाँ पे पांडे की सांस अटकी पड़ी है। ओ गया भाई साहब, गया तो बैठ बच गुड्डू की, आईफोन वर्सेस फायर हो रहा है यहाँ पे, वो भी अरविंद के फोन के साथ। पांडे की हालत खराब। ओ माय गॉड, पांडे की हालत खराब हो चुकी है यार, दुख दुख नहीं, भूख भूख हो गई, दुख दुख नहीं। खाना सब लोग आ गए हैं और तैयारी हो रही है न्यू ईयर की, लकड़ियां जलने वाली है, बॉनफायर। ये 2-3 साल बाद ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये भी अब छुपा दो तैयार, मजा आएगा। घर पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का ना हमारा एकदम एंड मोमेंट पे प्लान बना, और सबसे अच्छी बात थी मेरे सब कज़न आ गए थे घर पे, और हम लोग ने ना फाइनली बहुत मस्त तरीके से न्यू ईयर पार्टी करी। और यहाँ पे देखो पहली हम लोग ने बॉनफायर किया जला, ये लोग हाथ सेकने बैठ गए थे और हम लोग पूरा सेटअप कर रहे थे कि जल्द से जल्द पार्टी स्टार्ट करें और मज़े करें एकदम। यार बहुत मज़ा आता है बॉनफायर में। यार पांडे भी आप डांस तो करो, हमको आवाज ही नहीं आएगी उसकी।
यार बीच बीच में ना म्यूजिक भी बंद करना पड़ गया क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है यार, ये बहुत पंगा है यार इस चीज में, वरना हम लोग ने इतने मजे करे। और यहाँ पे देखो हम लोग बिना म्यूजिक के भी डांस कर रहे थे। हम लोग के घर में ना हम लोग को डांस का बहुत शौक है और ये ना हम लोग बिना म्यूजिक के डांस कर रहे थे। यूनिक ना एकदम। दारू सारे पीते हैं, थोड़ी ज्यादा पीते यहाँ हमारी फुल ऑन पागलपंती शुरू हो गई थी और बहुत मजा आ रहा था। एक तो ठंडा ठंडा मौसम और बॉन फायर और खाना पीना और नाच गाना, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यार इन सब चीज़ों में और बहुत ही मज़े करे। हम लोग को ना लग रहा था इस बार का ना न्यू ईयर बहुत ही फ्लॉप जाने वाला है क्योंकि सब चीज़ बंद हो गई थी ना कोविड की वजह से, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही थी यार क्या करें क्या नहीं करें। बट फाइनली हम लोग ने न्यू ईयर पार्टी इतनी मस्त करी और बहुत मज़े करे सबने मिलजुल के। वैसे तो मेरे पापा भी डांस नहीं करते और एकदम से पापा भी आ गए डांस कर रहे हैं। मेरे पापा ना बहुत फनी है, ये ना कुछ ना कुछ ऐसे जब सब लोग होते हैं ना ऐसा मजाक कर ही देते हैं, लोग ना जो छावरों में नोट उड़ाते हैं और पापा जानबूझ के कुछ फनी करने के लिए सिक्के लेकर आए और सबके ऊपर जो छावर करिए देखो उनके हाथ में सिक्के। और बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया न्यू ईयर। काश यार हर साल ऐसे ही मज़े करें। और यहाँ मेरा भाई, हम सब लोग डांस करने में मगन थे और पता इतना कुछ खाने पीने के लिए लाए बट जब डांस कर रहे थे ना तो कुछ खाने पीने का होश ही नहीं था यार। और आज के हमारे डीजे हैं मिस्टर अरविंद पांडे। और ना अब ऐसा लग रहा था अच्छा हुआ पब्स वगैरह जाना कैंसिल हो गया, वरना इतना ज़्यादा मज़ा जो यहाँ पे आया अपनी फैमिली के साथ वो शायद नहीं आता और हमारे न्यू ईयर इतना अच्छा सेलिब्रेट नहीं होता। हम सब पगला चुके थे और कुछ भी कर रहे थे बट आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा वीडियो देखकर।
पागल पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों। चंपा जी पेंडल वैसे कर लेते। अरे अम्मा बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो अम्मा, बहुत मस्त लग रही हो आप। हां क्यूट क्यूट। यहाँ मेरी फैमिली में सभी संस्कारी लोग एक दूसरे के पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे। देखो यहीं पे तो दिखाई देते हैं ना एक दूसरे के संस्कार। फिर यहाँ सब लोग दादी का आशीर्वाद लेने लगे क्योंकि नया साल शुरू हो गया था ना, तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हर चीज़ अच्छी होती है और उन लोग का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ना मेरे कज़न वगैरह सब छोटे ही हैं ना, तो जितने छोटे लोग थे वो सब बड़े लोगों के पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे और नए साल की अच्छी शुभ शुरुआत कर रहे थे। Happy New Year! Thank you, same to you. Happy New Year! फिर ना दादी ने आशीर्वाद के तौर पे सबको 50-50 रुपए दिए। वैसे तो इस चप की कोई ज़रूरत नहीं थी, बता दी ने बोला ये मेरा आशीर्वाद है, इसको अच्छे से रख लेना अपने पास, तो अब मैं इन्जॉय करूँगी। और आज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय योर न्यू ईयर।